नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पुंडी टेक में। दोस्तों मैं अपने चैनल पर लगातार पीएसएल से जुड़ी खबरें अपलोड करता रहता हूं। दोस्तों आज भी अपने चैनल पर मैं पीएसएल से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर के आया हूं। दोस्तों उस खबर को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों साथ में जो घंटी का आइकन है उसे भी दबाना ना भूले ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए दोस्तों अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज है 8 अक्टूबर दिन मंगलवार और दोस्तों आज है दशहरा। दोस्तों सबसे पहले सभी दोस्तों को दशहरे की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों दशहरा जो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। दोस्तों सभी निवेशकों को मेरी तरफ से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज है 8 अक्टूबर और दोस्तों कल है 9 अक्टूबर। दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि 9 अक्टूबर सभी निवेशकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि कल दोस्तों राजस्थान के जयपुर में जो सेबी का कार्यालय है वहां पर सभी निवेशकों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दोस्तों इस धरना प्रदर्शन को निवेशकों के लिए सफल बनाने के लिए काफ़ी दिनों से बहुत जोर शोर से कोशिशें चल रही हैं, जिससे कि दोस्तों ये धरना प्रदर्शन हमारा सफल हो सके और दोस्तों सेबी के ऊपर कुछ प्रेशर बनाया जा सके, जिससे कि दोस्तों सेबी जल्दी से जल्दी सभी निवेशकों का पैसा देना शुरू करे। दोस्तों इस धरने के बारे में अमित गर्ग जी काफ़ी दिनों से सभी निवेशकों से अपील कर रहे हैं कि वो सभी निवेशक 9 अक्टूबर को जो राजस्थान में जयपुर में जो सेबी का कार्यालय है वहाँ पर सभी निवेशकों से उपस्थित होने के लिए आग्रह कर रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ वे आग्रह कर रहे हैं कि जो राजस्थान के जितने भी निवेशक हैं कम से कम वो सभी निवेशक तो वहाँ पर पहुँच ही जाए। दोस्तों इससे पहले जो धरना दिया गया था 19 सितंबर देहरादून सेबी कार्यालय पर, दोस्तों वहाँ पर वो धरना सफल नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर जो सेबी के अधिकारी वो उस दिन आए ही नहीं वहाँ पर, इसलिए दोस्तों वो धरना सफल नहीं हो पाया था। इसलिए दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो सेबी का कार्यालय वहाँ पर पहुँचे और इस धरने को सफल बनाने की कोशिश करें। दोस्तों आपको मैं एक बार फिर से दिखाने वाला हूं कि जो अमित गर्ग जी वो निवेशकों से क्या अपील कर रहे हैं। नमस्कार मेरे देश की समस्त भारत देश की जनता को, सभी समस्त मीडिया को, सामाजिक संगठनों को। मैं एडवोकेट अमित गर्ग राष्ट्रीय सचिव भारतीय लोक सेवा दल पार्टी की ओर से यह सूचना जनहित में जारी कर रहा हूं कि जिस तरह से सभी को पता है कि चिटफंड कंपनियों का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है, चाहे पीएसीएल इंडिया लिमिटेड कंपनी की बात करूं जिसका आरओ ऑफिस जयपुर, सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करूं, क्विल कंपनी की बात करूं, रोज वैली की बात करूं, या अभी राजस्थान में संजीवनी ग्रुप का घोटाला हुआ, आदर्श कोऑपरेटिव का घोटाला हुआ, नवजीवन सोसाइटी का घोटाला हुआ, न जाने कितनी ही इस प्रकार की कोऑपरेटिव संस्थाएं चिटफंड कंपनियों से जुड़ी हुई, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई, जो सीधे तौर पर जनता से जुड़ी हुई थी और जनता इसमें अपना निवेश करती थी खून पसीने की कमाई। पिछले 4 वर्षों में न जाने कितनी कंपनियों को बंद कर दिया गया, उनके एजेंट सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिले स्तर से लेकर प्रांतीय स्तर तक, प्रांत स्तर से लेकर दिल्ली तक की चौपट को बार बार धरने ले रहे हैं चौपट पर। भारतीय लोक सेवा दल संगठन से जन्मी हुई ऐसी निवेशकों के दर्द की आवाज उठाती हुई एक पार्टी, मुख्य रूप से बुनियाद निवेशकों के हक की लड़ाई लगातार लड़ रही है, क्रांतिकारी आंदोलन कर रही है, जिसके लिए 6 नवंबर को दिल्ली जंतर मंतर, दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय तक हम लोग जाएंगे। लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने जिम्मेदारी ली पीएसीएल के निवेशकों की, उनसे आवेदन मांगे गए लेकिन अभी तक वह उन पर खरी नहीं उतरी, जिसके लिए लगातार हम 22 अगस्त से उत्तर प्रदेश, 19 सितंबर देहरादून और उसकी अगली कड़ी 9 अक्टूबर जयपुर भवानी सिंह रोड सेबी ऑफिस का घेराव करेंगे। बस मैं यही सूचना समस्त राजस्थान की मीडिया को देना चाहता हूं, इसको पार्टी की ओर से मानते हुए दिखाने का काम करेंगे कि 9 अक्टूबर को जयपुर सेबी ऑफिस LIC बिल्डिंग में भारतीय लोक सेवा दल के बैनर तले
एक विशाल आंदोलन किया जाएगा, सेबी ऑफिस का घेराव किया जाएगा, उनसे ये पूछा जाएगा कि निवेशकों का पैसा कब तक मिलेगा। तो मेरी समस्त मीडिया से यह विनती करता हूँ कि इस खबर को आप जनता तक पहुँचाएंगे, अधिक से अधिक निवेशकों तक यह जनहित में बात पहुँचनी चाहिए। मीडिया जो कि इस देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भारतीय लोक सेवा दल की ओर से यह प्रार्थना की जाती है, यह अनुरोध किया जाता है कि जन जन तक इस बात को पहुंचा कि 9 अक्टूबर जयपुर सेवी ऑफिस का घेराव भारतीय लोक सेवा दल के द्वारा निश्चित किया जाए। अधिक से अधिक संख्या में आप अपनी उपस्थिति दें और मीडिया जनता तक जरूर यह पहुंचाए कि यह बहुत ही दुखी है जिनका पैसा खून पसीने की कमाई लगी हुई है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सभी निवेशकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो सभी 9 अक्टूबर दिन बुधवार को सेबी का जो कार्यालय है राजस्थान जयपुर में, वहां पर पहुंचने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो घंटी का आइकन है दोस्तों उसे भी दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों।